दोस्तों क्या होगा अगर चाइना और इंडिया में बने हुए भाई वुड्स यानी लकड़े के टुकड़े को रख दिया जाए भाई हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे। आप सभी लोगों को तो पता होगा कि हाइड्रोलिक प्रेस कितनी पावरफुल मशीन होती है, वो किसी भी चीज का आराम से कचुम्बर बना देती है। हाँ तो चलो देखते हैं कि चाइना में बने हुए वुड्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने से क्या होता है। हाँ तो जब चाइना में बने हुए वुड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो भाई ये जो कम से कम 100 से 150 किलो का वजन लेने के बाद में ही टूट गया, जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। हाँ तो चलो देखते हैं कि इंडिया में बने हुए वुड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने से क्या होता है। लेकिन वो देखने से पहले आप सभी लोग इस शॉर्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो मत जाना, और हाँ कमेंट बॉक्स में जाके एक अच्छा सा इमोजी जरूर से टाइप कर देना। तो जब इंडिया में बने हुए वुड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो भाई ये जो कम से कम 500 से 600 किलो का वजन आराम से ले लिया, और 1.5 टन का वजन पड़ने के बाद में भाई ये वुड भी टूट गया। कहा 150 किलो और कहा 1.5 टन। आप सभी लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।